हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हो आप? तो अभी मैं हूँ अजमेर में। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और अभी हम निकल रहे हैं पुष्कर के लिए। शाम का आज रात का ऑलमोस्ट 11:30 बजे होलिका दहन होने वाला है, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं और मोस्टली कल की जो होली है उसके लिए भी वहीं रुकेंगे और वहीं पे मनाएंगे। तो इसी के लिए आज आराम से रेस्टिंग में निकले हैं, ज्यादा जल्दी नहीं की पहुंचने के लिए पुष्कर। कल का देखेंगे कि हम लोग वापस आएंगे अजमेर की वहीं रुकेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि हम लोग वहीं रुकने वाले हैं, कि वैसा प्लान है कि अगर यहाँ वापस आना है तो हमें 5 बजे कैसे भी निकलना पड़ेगा, बिकॉज वहां से इतने लोग होते हैं पुष्कर में, जो आज दिखेगा ये वीडियो में आपको, इतने लोग होते हैं कि हमें जाने के लिए ही बहुत इश्यूज हो जाएंगे और शायद हम लोग पहुंच भी नहीं पाएंगे टाइम पे। तो शायद मोस्टली हम लोग वहीं रुकेंगे या तो फिर हमें स्ट्रेच करना पड़ेगा आने जाने का। देखते हो तो कैसा होता है आपको भी पता चलेगा वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। तो ये आ गई हमारी सवारी, इसमें हम 3 दिन घूमने वाले हैं, इसमें अभी एक्सप्लोर करेंगे पुष्कर। ये भैया के वैसे रोड ट्रिप तो होना ही था, भैया अहमदाबाद से आ रहे हैं बाइक ले, ये गाड़ी लेके। तो यहाँ से अभी पुष्कर है अराउंड 14 किलोमीटर, जिसके लिए हमें आधा घंटा लगेगा। आई गेस हम लोग 5:30 तक पहुंच जाएंगे। हमें एक जगह पकड़नी है फॉर होली का दान, वहाँ पे बैठना है। ये पीछे सर जी ने सोच के रखा है एक जगह, फिक्स है कि कैसा है? एरिया सोच के रखा है, एरिया सोच के रखा है। अभी क्राउड इतना है कि देखना है अभी क्या सिस्टम होता है। तो वी हैव रीच पुष्कर, अभी यहाँ से चल के जाना है एज यूजुअल, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है तो 1.5 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड डाला था और हमने एग्जिट पे ही पार्किंग कर दी है आसपास, ताकि हमको निकलने भी आसान पड़े और हम पहुँच जाए। तो अभी चल के जा रहे हैं जहाँ से 1.5 किलोमीटर है, जहाँ हमें जाना है धाम पे, जो एरिया में होली का दान होगा वहाँ पे। तो मैं अभी पहुँच गया हूँ पुष्कर लेक पे। बेसिकली अभी सोच रहे कौन सा मंदिर जा रहे हैं हम, कौन सा टेम्पल है ये? सावित्री टेम्पल, वहाँ से व्यू देखने के लिए पुष्कर दिखेगा गाइस। नाउ वी विल बी नेविगेटिंग यू थ्रू सावित्री देवी टेम्पल, जहाँ से पूरा पुष्कर दिखेगा। लेट्स गो। ये तो फुल उसने कौन सा वो कर्ली टेल्स वाला बुलेट्स को बोल के चली गई। तो सावित्री टेम्पल था पुष्कर लेक से करीबन 1.5 किलोमीटर। लकीली हमें यह ऑटो मिल गया, तभी हम टाइम पर पहुंच गए, क्योंकि 7 बजे मंदिर बंद रहता है और करीबन 7:45 बजे हम निकले पुष्कर लेक से। बेसिकली ये मंदिर पहुंचने के लिए हमें हाइक करना पड़ता है, तो केबल कार से जाना पड़ता है। अब स्ट्रेस ये था कि इतने क्राउड में, क्योंकि अभी है होली का फेस्टिवल जिसके लिए पुष्कर फेमस है, वो टाइम पे हम जा रहे हैं मंदिर, तो केबल कार के लिए काफ़ी ज़्यादा रश है। और हम बस यही सोच रहे हैं कि हम कैसे तैसे ऊपर पहुंचे और टाइम पर हम होलिका दहन देखने नीचे उतर जाए, जिसके लिए हम मेजरली पुष्कर आए हैं। तो अभी बज रहे 7 और अभी हम जा रहे केबल कार में। ये देखो हमें जाना था होलिका दहन, बट ये मैडम इसके वजह से बन गया प्लान, और अभी पता नहीं होलिका दहन देखने मिलेगा कि नहीं, जिसके लिए हम लोग मेन आए हैं। फिलहाल हमें लग गया 1 घंटा यहाँ पे पहुँचने के लिए। 7 बजे मंदिर भी बंद हो जाता है, हम लोग सिर्फ ऊपर व्यू के लिए जा रहे हैं और मंदिर का बाहर से दर्शन करेंगे। ये जो मैडम है ना, जो ये देखो दिख रही है, इन्होंने हमें बहुत तंग किया है। आज अगर हमें होलिका दहन ठीक से देखने नहीं मिला तो एक नया ब्लॉग आएगा, उसमें हमने खुशहाली की कैसे बैंड बजाई ना, उस पर एक नया ब्लॉग मिलेगा। तो गाइस जस्ट स्टे ट्यून, विल सी कि खुशहाली की बैंड बजती है कि नहीं। अभी हम लोग का टारगेट है 8:30 तक नीचे आ जाए, मोस्टली हो जाएगा 8:30 तक आना। मेन तो ऊपर भी लाइन रहेगा आने के लिए, तो दिक्कत होने वाला है। यहाँ से मेरे को लगता है 15-20 मिनट लगेगा ऊपर पहुँचने के लिए, और उसके बाद फिर नीचे आएंगे, तो ऊपर का तो सिर्फ नाइट व्यू मिलने वाला है हमें। लकीली हम एग्जैक्ट 7 बजे मंदिर के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि मंदिर आरती के बाद बंद होता है, तो आरती हो रही थी और माता के तो काफी अच्छे दर्शन हुए। खैर ये सब तो ठीक है, अब ये व्यू देखो। दर्शन तो हो गए, आरती तो अच्छी खासी हो गई, अभी नीचे जाने के लिए फिर से लाइन है। अभी बज रहे अराउंड 7:30 हो रहे हैं, अभी नीचे जाने के लिए मुझे लगेगा फिर से 1 घंटा लग जाएगा हम लोग को, बट ऊपर से व्यू काफी अच्छा था और हम लोग जो टाइम पे पहुंचे हैं, मतलब मंदिर बंद होने के आरती के जस्ट पहले पहुंचे। बेसिकली मैंने लास्ट ईयर धर्मशाला में रोप वे तो किया था, बट यहाँ से नाइट व्यू मिला हमें देखने, तो वो काफी बढ़िया था। अब मेन स्ट्रेस रहेगा होलिका दहन का, कि वहाँ से व्यू मिल जाए बस हमें। और यहाँ पे अभी लाइन दिखाता हूँ,
तो अभी नीचे आ गए मंदिर से, अभी थोड़ा नाश्ता पानी हो रहा है, अभी बज रहे अराउंड 8:30। अभी मेन यहाँ से निकलना है। अगर हम लोग धान नहीं देख पाए तो ऐसा लगता कि यार ऑटो नहीं मिलती तो अच्छा होता, बट देखते अभी दर्शन अच्छे हुए। वैसे भी नहीं देखा, हाँ सनसेट तो देख ही नहीं पाए थे हम। अब नाश्ता पानी करके जाएंगे सीधा, अभी जगह ढूंढेंगे, देखेंगे जिसके लिए आए पुष्कर, और फिर रात का सीन पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। अमृतसर रब जाने लाहौर आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। मुझे डर कोई खींचे तेरी ओर ये जाए। पुष्कर में तो माहौल अच्छा खासा है। अभी हम लोग फलाफल खाने रुके थे यहाँ पे, और अभी आगे जाएंगे। कौन सा वो लस्सी कहाँ से? चोटी वाले बाबा, क्या चोटी वाले बाबा? चोटी वाले बाबा यहाँ के फेमस है। ये भाई साहब कल जाके आए तो बोलते तू भी ट्राई कर, वही पियेंगे अपन लस्सी। चोटी वाले बाबा के पास जैसे ही पहुँचते हैं तो हमें ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई देती है, तब समझ आ जाता है कि हम वराघाट पहुँच गए हैं। अब हमारा मेन फाइट था होलिका दहन के लिए जगह पकड़ना, जो हमें थोड़ी मेहनत में मिल जाता है। हम विंडो सीट मैडम डिसूजा रेस्टोरेंट के बालकनी व्यू से पकड़ लेते हैं। ये रहा मैं, लकीली मेरा फ्रेंड कल यहाँ आया होता है जगह देख, तो अब यहाँ से आराम से होलिका दहन का व्यू एंजॉय किया जाएगा। थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेता हूँ, उसके बाद आप आराम से होलिका दहन का व्यू का लुफ्त उठाना। बेसिकली पुष्कर की होली इंटरनेशनली मोस्ट फेमस प्लेस है, क्योंकि यहाँ हर देश के कोने से लोग आते हैं होली मनाने। वराघाट के पास वर्ल्ड का वन एंड ओनली ब्रह्म जी का मंदिर है, तो ये रिचुअल वे में भी काफ़ी फेमस और रिलीजियस जगह है। होलिका दहन के रिचुअल्स लिटरली मैंने पहली बार देखे। अब 2 मिनट बात करूंगा सिर्फ आपके लिए, अगर आप प्लान कर रहे हो होली के टाइम यहाँ आने की जैसे मैं आया हूँ। अगर अच्छा व्यू चाहिए तो यहाँ नियर बाय रेस्टोरेंट में 6-7 बजे आ जाओ और कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहो, या होटल रूम ले लो इसी के आसपास जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, या तो भीड़ में धक्के खाओ। धक्के खाने का प्लान है तो इनसे बचना, क्योंकि नंदी भी आए थे ये टाइम होलिका दहन के आगमन के लिए। अगले दिन रंग पंचमी का माहौल भी यहीं वराघाट पर होता है, तो अच्छी तरह से प्लान करके आना। नाउ एंजॉय होलिका दहन एंड हैप्पी होली टू यू।
जस्ट केम बैक टू द होटल. अभी बज रहे अराउंड, कितना बज रहे यार? 2 बज रहे और अभी हम आए, मतलब 1 बजे पहुंच गए थे होटल में. अभी रेस्ट करेंगे एंड फिर निकलेंगे अराउंड 5 o'clock तक, क्योंकि कल पुष्कर में इतनी भीड़ हो जाएगी कि 7 बजे जाके बैरिकेड लग जाएगा, मैंने जितना सुना है. तो हम लोग जल्दी निकलेंगे, अभी रेस्ट करेंगे, सब कुछ अभी हो गया है. सो इट वॉज वेरी फन डे, हमें लकीली जगह मिल गई और इतना अच्छा व्यू देखने मिल गया, बता ही नहीं सकता. और इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट होलिका दहन फॉर मी. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. ये वीडियो यही एंड होता है, कल होगी रंग वाली होली जो हम फिर से जा रहे पुष्कर, तो नेक्स्ट वाला वीडियो भी जरूर देखना. इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर वट एवर रीजन, प्लीज चेक आउट द होल प्ले लिस्ट ऑफ होली. मैं इसके पहले मथुरा गया था, वृंदावन और बरसाना की मैंने होली अटेंड की थी, उसके बाद अभी आया हूँ पुष्कर, तो वाली वीडियो जरूर देख लेना. इट इज अ होली स्पेशल प्ले लिस्ट फॉर मी. सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. इफ यू एंजॉय लाइक कर दो, शेयर कर दो यार इफ पॉसिबल. तो दैट्स इट फॉर द वीडियो. इफ यू गाइज लाइक, डू चेक आउट माई अदर वीडियो. And चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना. टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.